हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में ब्रेकर स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे और ऐसे तीन चार या पांच स्टॉक जो भी यहां पर ध्यान में आएंगे ओके okay, उनसे रिलेटेड मैं यहां पर वीडियो बनाने जा रहा हूं ध्यान में आएंगे इन द सेंस ध्यान में है बट यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा तो उन स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे कौन से ब्रेकआउट स्टॉक्स तो कुछ उसमें पॉइंट्स रहेंगे इंपॉर्टेंट जहा हम उसके चार्ट पैटर्न की तरफ पढ़ेंगे जानेंगे तो कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा उन बातों का ध्यान रखना अगर आप यहाँ पर उनमें क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक्स को कभी कभी चेज करने के लिए स्टॉप लॉस को लगाना पड़ता है अदरवाइज आप ऊपर की लेवल पर फंस सकते हैं और ऊपर के लेवल पर फंसने का मतलब है कि यह नहीं है कि आप वहां पर फंसे ही रहेंगे सिंपल सी बात है कि दो तीन चार महीने के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है इसका मतलब ये होता है क्योंकि हम ऐसे ही स्टॉक्स बताते हैं कि ऊपर के लेवल पर अगर हम कभी फंस भी जाए तो चार पांच महीने में इजिली वहां से निकल सके तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं ऐसे स्टॉक्स से लेटी बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे एज वेल एज एक बात बोलना चाहूंगा कि आप हमें जितना सपोर्ट करें उतना कम है क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी हमारी इच्छा होती है कि अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यहाँ पर बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारे इस हर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत है और हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए तो यहाँ पर ये यह कॉन्टैक्ट नंबर है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कम, आ, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं

198 रुपीस मुझे हज हाँ भी आद है जब ये 198 रुपीस पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ना तो यहाँ पर इसका बाईब की न्यूज आई थी 225 रुपीस पे उस टाइम मैंने ये स्टॉक्स आपके बारे में बताया था क्यों बताया था उसके पीछे सिंपल सा रीजन है उसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या है उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि इसके रिजल्ट कंपनी देखिए यहाँ पर डेट फ्री है यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है बेहतरीन है सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है बट पर जो इसके रिजल्ट आए ना वो भी काफी बेहतरीन है क्वार्टरली बेसिस पे यहां पर थोड़ी सी गिरावट है बट ईयरली बेसिस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है कंसोलिडेट में और ईयरली बेसिस पे तो हर बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है और यहाँ पर एक ग्रोथ नजर आ रही है एज वेल एज यहाँ पर चार्ट पैटर्न यहाँ पर अगर बात करें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अच्छा खासा नजर आ रहा है और 47 यहाँ पर फोर्टी ने भी देखिए इसी क्वार्टर में 0.65% सिक्स की जो कि यहाँ पर नजर आते है किसके पास है? रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आज की डेट में बीस परसेंट नजर आया है हम यहाँ पर जल्दी एग्जिट हो गए थे हम यहाँ पर थ्री फोर्टी टू फोर्टी रुपीज पे यहाँ पर एग्जिट हो गया था लगभग थर्टी थर्टी

यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक रिट्रेस हो सकता है बट जो वॉल्यूम है काफी बेहतरीन वॉल्यूम है ओके और जब भी इस तरीके के वॉल्यूम बने हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओके यहाँ पर जब भी इस तरीके के वॉल्यूम बने हैं तो एक रैली इस तरीके थोड़ा सा तो एक रैली यहाँ पर देखेंगे इसी तरीके का चार्ट इसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली हुई फिर यहाँ पर नीचे गिरावट हुई थोड़ी सी और उसके गिरावट के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा कुछ टाइम के अंदर अंदर यहाँ पर गिरावट देखे छे मई से लेके यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लगभग तेईस जून तक लगभग कुछ दिन यहाँ पर ये एक महीना डेढ़ महीने यहाँ पर गिरावट थी उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आपको साफ नजर आ रही है तो इसी तरीके की रैली आपको दोबारा दिखाई दे सकती है तो यहाँ पर ध्यान रखिए अगर अभी भी यहाँ पर आप ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं ना वो काफी यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है और भी यहाँ पर तीन सौ का लेवल आ सकता है बट थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना और स्टॉप लॉस कौन सा होता है स्टॉप लॉस हमेशा प्रीवियस जो यहाँ पर होता है उसी को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है टू का बट इतना

जो कि यहाँ पर रेसेल्स देखिए हाईएस्ट एवर है यहाँ पर क्वार्टरली यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट है बट ईयरली बेसिस पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस है एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है डी ने होल्डिंग बढ़ाई है ओके okay, पब्लिक से यहाँ पर शेयर जा रहे हैं और जब पब्लिक से शेयर जाते हैं ना समझ लीजिए कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है कंपनी में लोग बड़े बड़े लोग यहाँ पर बुलिश है और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट स्टॉक से बट उस टाइम क्या हुआ था यहाँ पर मैंने बताया था ब्रेकआउट स्टॉक से बट चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दी जस्ट बिकॉज अगर हम देखें मार्केट में ही पूरा प्रेशर था जब मार्केट में प्रेशर है तो कुछ भी नहीं चलता अब यहाँ पर देखें इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जब वॉल्यूम थे अच्छे खासे शेयर यहाँ पर भाग रहा था थोड़ा सा गिरा फिर भाग रहा था तो इसी तरीके से चल के यहाँ पर मुझे छे सौ साढ़े छे सौ रुपए का आपको टारगेट बनाता हुआ दिखाई देगा और जो इस बार के वॉल्यूम तो वो हाईएस्ट वॉल्यूम वो याद रखिएगा यहां पर एक बेहतरीन लगभग लग आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आ सकते हैं 600 साढ़े सौ का टारगेट है ध्यान में रखिएगा बट बर... यहाँ पर स्टॉप लॉस भी यहाँ पर साथ साथ ट्रेड करते जाइएगा अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर अगर ये शेयर दस बीस रुपए यहाँ पर नीचे मिलता है ना तो उठा लीजिएगा कूद पड़िएगा क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनाने का मौका है इसके अलावा एक और यहाँ पर स्टॉक से रेटी बातें करूंगा केपीआई टी काफी टाइम से मैं वन सेवनटी रुपीज पे जब ये स्टॉक्स था तभी से आपको बताते आ रहा हूँ ये यह भी यहाँ पर सेवनटीन परसेंट का डेटा है यहाँ पर मिड कैप कंपनी हो गई है ये के पी आई टी बिरला सॉफ्ट से छोटा था नीचे था बट यहाँ पर देखिए मार्केट कैप में उसका बाप बनता हुआ नजर आ रहा है ओके भागता हुआ नजर आ रहा है इससे ज्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है इससे ज्यादा बिरला शॉक से अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी बेहतरीन है इन्वेस्टर्स की बात करें तो 40.14 की होल्डिंग पर प्रमोटर्स के पास है एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है डीएस ने थोड़ी सी कम करी है पब्लिक के पास एज इट इज इतनी ही होल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है याद रखिएगा, यहाँ पर सब कुछ अच्छा खासा यहाँ पर नजर आ रहा है अगर हम के की यहाँ पर बात करें तो के एक बेहतरीन यहाँ पर शेयर है ऑलरेडी यहाँ पर टॉप पे चल रहा है ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर भी वॉल्यूम की बात करें बेहतरीन यहाँ पर वॉल्यूम शुरू से ही रहे है आ, बार बार आपको 300 पे बताया 400 पे बताया 275 पे बताया ओके okay, जब मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी तो यहाँ पर 175 पे बताया जब इसके रिजल्ट आए थे Q1 के आई थिंक तो यहाँ पर बार बार मैं आपको स्टॉक को यहाँ पर सजेस्ट करता आ रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सी अगर गिरावट होती है तो उसके इसमें यहाँ पर आप सोच सकते हैं बट यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर भी और भी ये शेयर और भागने की हिम्मत रखता है तो थोड़ा सा अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है तो अच्छी बात है यहाँ पर फोर ट्वेंटी के आसपास या फोर ट्वेंटी फोर के आसपास ये मिलता है तो यहाँ पर बाए उन, बाए उन डिप्स करने की कोशिश करिएगा अदरवाइज ये स्टॉक्स में अगर यहाँ से भागना शुरू हुआ तो याद रखिएगा स्टॉप लॉस के साथ काम करना है अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो सिंपल डू वन थिंग यहाँ पर आप जब शेयर नीचे आए धीरे धीरे यहाँ पर एकोमलेट करना कोशिश करिएगा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तीन से चार महीने क्योंकि यहाँ पर अच्छी रैली होने के बाद ये शेयर यहाँ पर ट करता है याद रखिएगा अच्छी अच्छी हुई हुई किया किया तो इसी तरीके का इसकी चाल है फिर यहाँ पर नेक्स्ट <coughs> टाइम के जो रिजल्ट होंगे वो यहाँ पर मैटर करेंगे तो यहाँ पर ये यह तीन स्टॉक्स हो गए हैं तो इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके अलावा एक स्टॉक्स और है जिससे रिलेटेड मैं आपको और बता देता हूँ सोना बीएलडब्ल्यू सोना बी की बात करें ब्रे, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ बट हो सकता है यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी है डेट फ्री कंपनी है काफी बेहतरीन है क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर बात करें ईयरली बेसिस पे सेल्स तो बढ़ती हुई नजर आई बट प्रॉफिट भी यहाँ पर आ, आ, यह, आ, न, अच्छा खासा ही बढ़ा है ठीक ठाक है अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ पर बट यहाँ पर कंसॉलिडेट की बात करें तो कंसॉलीडेट भी यहाँ पर देखिए इयरली क्वार्टरली बेस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है यहाँ पर कंपनी लगातार अच्छा खासा यहाँ पर ईयरली बेसिस पर भी अच्छा खासा रिटर्न देती हुई नजर आई है यहाँ पर बात करते हैं एफ की होल्डिंग और डीआईस एफ आई की होल्डिंग यहाँ कम हुई है डीआईसी की बढ़ती हुई नजर आई है और पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है फाइव इस क्वार्टर में बट सोना बी की बात करूँ सोना बी काफी बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक्स है क्योंकि टेसला जैसे बड़े बड़े ज्वाइंट को ये अपने पार्ट सप्लाई करता हुआ नजर आता है तो इस शेयर की तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर भी ये जब इस पॉइंट को निकालेगा एट को ओके एट टेन को जैसे ही निकालेगा यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़त आ सकती है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा ये शेयर की तरफ अगर अभी भी खरीदना है तो बाय डिप्स करके खरीदेगा हमेशा बताता हूं जब भी शेयर खरीदे बाय एंड डिप्स करके खरीदे और मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं है कब यहाँ पर चीजें यहाँ पर बेचनी शुरू हो जाती है कब एफ आई आईज बेचना शुरू हो जाते हैं कब है, यहाँ पर खरीदना शुरू हो जाते हैं तो वो अभी यहाँ पर क्लियर पिक्चर आती हुई नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर जो डेटा आ रहा है कि किस तरीके से एफ आई यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं कभी फाइव करोड़ कभी फोर करोड़ करो फोर्टी 100 तो इस तरीके से यहाँ पर मार्केट में प्रेशर बन सकता है बट यहाँ पर शेयर की तरफ ध्यान दीजिए सोना बी एलडब्ल्यू भी यहाँ पर कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और पर्टिकुलर शेयर है जो कि मेरा फेवरेट शेयर है काफी टाइम से मैं आपको यहाँ पर टू टू ट्वेंटी टू रुपीज से यहाँ पर रिकमेंड करता आ रहा हूँ आज की डेट में लगभग थ्री फिफ्टी सेवन के आसपास ये शेयर बल्कि थ्री सिक्सटी फाइव के आसपास चल रहा है डेट फ्री कंपनी है ओके ROC, तो यहाँ पर कुछ नहीं है और पी भी काफी ज्यादा है बट ये भाग क्यों रहा है ये कंसोलिडेट कर रहा है अभी और भागता हुआ नजर आएगा क्यों क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे है कंपनी पर सेल्स तो कम हुई है बट यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ ईयरली बेसिस पर हम देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा है इसी के लिए ये शेयर यहां पर ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आया और यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया इस शेयर को यहाँ पर अगर हम कंसोलिडेट नंबर देखते हैं वो तो हाईएस्ट ऑफ सेल्स है और नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेसिस थोड़ी सी गिरावट बट ईयरली बेसिस पर काफी बेहतरीन है और कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ परफॉर्मर रही है पिछले बारह महीने में

अगर आप चाहे तो अभी यहाँ पर खरीद सकते हैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है धीरे धीरे कर करके देखिए भागते भागते। सबसे पहला टारगेट तो यही है और इस बार शायद यहाँ पर इस टारगेट को निकालने के बाद ये फोर की तरफ भी बढ़ सकता है तो यहाँ पर फिफ्टीन तो अभी मिलते हुए सॉरी फिफ्टीन तो नहीं कहूंगा लगभग चार का पहला टारगेट है ओके जो की लगभग चालीस के आसपास है और उसके बाद जो चीज ये भागता हुआ नजर आएगा तो और अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा डिप्स की अपना क्योंकि तो इसका बेहतरीन सपोर्ट यही है जो यहाँ पर नीचे बार बार ये कंसोलिडेट कर रहा है ना 320 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना के ये ऊपर निकल सकता है पहले हाँ पर यहाँ पर ये यह टारगेट है इसके बाद आगे और अगर भागा तो फिर भागा अदरवाइज यहाँ पर गिर के और कुछ चार्ट पैटर्न बना के ये फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो बाय वीडियो अच्छी लगे इन पांच शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा या फिर थोड़ा बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति अपनाइएगा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ये स्टॉक्स के एक बार नंबर आ जाएंगे तो अच्छे नंबर आए तो ऑब्वियस ऑबियस बात है फिर ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आएंगे सारी कंपनी बेहतरीन है फंडामेंटली स्टॉक कंपनी है कोई डेट फ्री है थोड़ा सा ही डेट है एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है डीएस ने होल्डिंग बढ़ाई है ब्रेकआउट की कगार पे खड़े और कभी भी जैसे ही मार्केट यहाँ पर अच्छे तरीके से रिकवर होगी तो दिसंबर में लग भी रहा है तो अच्छे तरीके से ये शेयर सारे के सारे भागते हुए नजर आएंगे और मल्टीपैगर रिटर्न देंगे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और जितना हो सके सपोर्ट करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और हमसे कांटेक्ट करना है तो इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड प्लेस